हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफसीआई नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता था, पिछले कुछ दिन पहले मैंने एफसीआई के कैटेगरी 3 पोस्ट के बारे में आपको बताया था। सो आज उसका फाइनली फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल 5043 पोस्ट का इसमें वैकेंसी आया हुआ है। सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कोई एप्लीकेशन फी नहीं है फीमेल SC ST PWD के लिए, और ये टोटली बैंकिंग पैटर्न पे आधारित है। इसमें पूरे का पूरे बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है। S1 Phase 2 के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, 44,000 के आसपास यहाँ पे आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेपर कटिंग है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें कैटेगरी 3 नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए हुई है। जोन वाइज वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहला पोस्ट है जूनियर सिविल इंजीनियरिंग। इसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर है 1 अगस्त 2022 को। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद स्टेनो ग्रेड 2, उसके बाद AG3 जनरल, और फिर AG3 अकाउंट्स, AG3 टेक्निकल, AG3 डिपोर्ट, AG3 हिंदी। ठीक है, ये सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं। आप जोन वाइज देख सकते हैं, नॉर्थ जोन में टोटल 2388 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद साउथ जोन में 999 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ईस्ट जोन में 768 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। वेस्ट जोन में 713 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट जोन में 185 पोस्ट का वैकेंसी इसमें आया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो JEE सिविल इंजीनियरिंग, इसके लिए आपके पास डिग्री होना सिविल इंजीनियरिंग की, या डिप्लोमा होना सिविल इंजीनियरिंग में 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ, तभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है, इसमें आपके पास डिग्री होना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या डिप्लोमा होना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या डिप्लोमा होना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद स्टेनो ग्रेड 2, इसमें ग्रेजुएशन होना कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी डिसिप्लिन से, 40 वर्ड पर मिनट स्पीड होना आपकी, और 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और शॉर्ट हैंड स्पीड आपका होना रेस्पेक्टिवली। उसके बाद AG3 जनरल, इसमें ग्रेजुएट कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर का नॉलेज होना बस आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद AG3 अकाउंट, इसमें बैचलर डिग्री होना कॉमर्स में और कंप्यूटर का नॉलेज होना अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद AG3 टेक्निकल, BSc होना एग्रीकल्चर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या BSc होना एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस, या आपने BE BTech किया होना चाहिए फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज होना बस, ठीक है। उसके बाद AG3 डिपोर्ट, इसमें कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी डिसिप्लिन से, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बस, ओके। उसके बाद AG3 हिंदी की पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। इसमें आपके पास डिग्री होना हिंदी में, ये आपका मेन सब्जेक्ट होना, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश में आपका प्रोफिशिएंसी होना ट्रांसलेशन के हिसाब से, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप ओनली वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ओनली वन जोन से ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, SC ST 5 साल, OBC 3 साल तक मिल जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, Phase 1 सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है, Phase 1 सबके लिए कॉमन होगा। इसमें आपके 4 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क 15 मिनट का टाइम, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क 15 मिनट का टाइम, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क 15 मिनट का टाइम, और जनरल स्टडीज 25 क्वेश्चन 25 मार्क 15 मिनट का टाइम। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट का इसमें आपको समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। उसके बाद Phase 2, अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग Phase 2 होने वाला है, तो आप अपने पोस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे जो AG3 जनरल वाला पोस्ट है, इसमें ओनली Paper 1 ही होने वाला है। उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ, Paper 1 में क्या होगा। Paper 1 में आपका 120 मार्क्स MCQ रहेंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। अगर आप AG3 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो Paper 1 होगा बस, प्री के बाद Paper 1 होगा मेंस में बस, उसी के बेस पे सिलेक्शन होगा। Paper 1 होने वाला है, उसमें भी आपके 4 सेक्शन रहेंगे, सेम सब्जेक्ट, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क 20 मिनट का टाइम, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क 20 मिनट का टाइम, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क 20 मिनट का टाइम, और जनरल स्टडीज, करंट अफेयर और कंप्यूटर नॉलेज वगैरह के 45 क्वेश्चन 45 मार्क 30 मिनट का टाइम। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो आपको फाइनल जॉब मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अलग अलग जो पोस्ट है, अदर पोस्ट, उनके लिए अलग अलग पेपर दिए हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपके सिटी में ही होंगे, जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहोगे, जिस भी रीजन से आप अप्लाई करना चाहते हो उसी रीजन में आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। एप्लीकेशन फी की अगर हम लोग बात करें, जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए ₹500 एप्लीकेशन फी रहेगा, बट
अगर आप SC ST PWD वेमेन कैंडिडेट हो तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं, 5 अक्टूबर 2022 लास्ट डेट है अप्लाई करने का। बाकी जो एग्ज़ाम का डेट है, ठीक है, एग्ज़ाम का डेट जनवरी 2023 में होने वाला है, टेंटेटिवली यहाँ पर दिया गया है। सो नए साल में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, बाकी मेंस का डेट भी आपको बाद में पता चल जाएगा। सो प्री का डेट की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी 2023 में होने वाला है, ठीक है। सो यही आपको अपडेट देना था, आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आप दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।